शिवपुरी जिले की नगरपालिका की स्थिति इस वक्त बहुत ही खराब है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लाइनमैन ने अधिकारियों के निर्देश पर नगरपालिका कार्यालय सहित अन्य स्थानों की लाइट काट दी। बताया जा रहा है कि नगरपालिका पर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। बकाया राशि बढ़ने के कारण और कई बार नोटिस देने के बाद भी नगरपालिका द्वारा बिल जमा नहीं किया गया तो बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। शिवपुरी नगर पालिका के द्वारा बिजली विभाग का बिल जमा न करने के चलते विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका कार्यालय की बिजली काट दी। नगर पालिका शिवपुरी पर बिजली बिल का करोड़ रुपए का बकाया है और नगर पालिका द्वारा बिल जमा नहीं किया जा रहा है। इसके चलते बिजली विभाग के अधिकारियों के निर्देशन पर बिजली विभाग के कर्मचारी नगर पालिका ऑफिस पहुंचे और बिजली काट दी गई। वहीं विद्युत विभाग द्वारा कई वार्डों में लगे सरकारी नलकूपों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए, जिससे लोगों को पानी के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटने से नगरपालिका का काम ठप हो गया है और कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी का कहना है कि नगरपालिका पर लगभग 17 करोड़ रुपए के आसपास बिजली का बिल बकाया है और कई बार उनको नोटिस भेजा गया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, जिसके चलते बिजली के कनेक्शन काट दिए हैं। जैसे ही बिल जमा कर दिया जाएगा हम कनेक्शन जुड़वा देंगे। 17 करोड़ 64 लाख रुपए बकाया होने के कारण उनकी जो है मजबूर होकर के हमको 6 दिन से बरगला रहे थे, बोले ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इसमें ये सुधार होना चाहिए उसमें वो सुधार होना चाहिए। तो इसमें कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार एक डूडा के परियोजना अधिकारी थे, उनके समक्ष उनके कार्यालय में बैठ बैठ के 4-4 घंटे आते थे। सीएमओ साहब उस वक्त आते भी नहीं थे और उनको पूरा चिट्ठा बना करके बताया गया कि इतना बकाया इससे इसमें आप कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे पैसे देने से इनकार कर दिया, मजबूरन होकर के वो लाइट काट दी। सर वो नगर पालिका से जानकारी मिली कि हम उनको ऐसा लगा कि हमारा बिल 1.5 करोड़ समथिंग है। गलत है। हम प्रति माह उनको पत्र देते हैं जबकि 3 पत्र तो उनको बता चुके हैं, आपको नोटिस दिए गए हैं 3 बार हमने। अच्छा हाँ, उनका कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई गौर करने वाला नहीं है। बिल हर माह आते हैं, हमारे 1 करोड़ की डिमांड रहती है, उसमें 30 दे देते हैं, 25 दे देते हैं, कभी 40 दे देते हैं, इस तरह से पैसा देते हैं। सर अभी जैसे नगर पालिका के जो बोर चल रहे थे उनके भी कुछ कनेक्शन आपके द्वारा काटे हैं, है ना, तो इससे क्या आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोग नगर पालिका को बोले कि भाई भुगतान कराए जी, तो अगर जैसे नगर पालिका जल्दी से बिल का भुगतान नहीं करती तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? हम तो कनेक्शन काटेंगे नगर पालिका के, सिर्फ नगर। और जोड़ने के अगर हमने जोड़ लिया तो वैधानिक कार्रवाई होगी कानून जी। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।